No matter what, protect your walls with Royal. It comes with Teflon Surface Protector. Check this out. Play track 12. Temperature, please. This is so cool. Steers like a dream. CNBC आवाज पर मैं हूं कौर और आपके लेकर हाजिर हूं अपनी खास पेशकश डिविडेंड डार्लिंग। शेयर बाजार के इन दिनों की चाल खासी बेचैन है, ऐसे में शायद लोगों को ये लगने लगा होगा कि हम कहां फंस गए। इससे अच्छा तो बैंक में एफडी करवा लेते तो कम से कम ब्याज के पैसे तो मिलते रहते। लेकिन मैं आपको बता दूं, बाजार चाहे जैसा भी हो, ऐसे शेयर मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। ऐसे शेयर जो कम से कम आपको एफडी जितना रिटर्न्स तो देंगे, साथ ही जो कैपिटल गेन्स आपको स्टॉक से मिलेंगे वो अलग, यानी कि कमाई के मौके दो दो तरफ से, डिविडेंड से और कैपिटल गेन से, तो किसी तरह के नुकसान का तो कोई सवाल ही नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिविडेंड डार्लिंग। और आज का मेरा डार्लिंग शेयर है JBF इंडस्ट्रीज। कंपनी अच्छी, अच्छे फंडामेंटल्स है, खरीदारी का बेहतरीन मौका इसमें है क्योंकि शेयर फिलहाल काफी ऊपर जाने की क्षमता रखता है। कंपनी करती क्या है? टेक्सटाइल और पैकेजिंग कारोबार से जुड़ी एक कंपनी है। अब आप पूछेंगे कि मेरा डिविडेंड डार्लिंग शेयर क्यों है। डिविडेंड डार्लिंग शेयर इसलिए है क्योंकि लगातार कंपनी ने आपको इतने बढ़िया डिविडेंड दिए हैं। अगर आप साल दर साल देखें, 2007 में 2.5 रुपया, 2008 में 1.5 रुपया क्योंकि आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, 2009 में फिर एकदम से 5 रुपया, 2010 में 6 रुपया और 2011 में 8 रुपये। यानी कि ऑन एन एवरेज आपको अगर आप देखें कि इसकी डिविडेंड यील्ड कितनी है तो 6.2 की डिविडेंड यील्ड ये स्टॉक आपको देता है। एफडी में पैसे लगाएंगे कितनी रिटर्न मिलेगी? 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो टैक्सेबल होता है, यानी कि 6.25% का जो रिटर्न होगा वो आपको मिलेगा। तो यानी कि डिविडेंड जो आपका यील्ड है वो तो टैक्स फ्री है। 6.2% की डिविडेंड यील्ड आपको स्टॉक से मिलेगी, एफडी से 6.3% मिलेगा, तो कितना बिल्कुल भी डिफरेंस है ही नहीं। लेकिन मैं आप क्यों कह रही कि एफडी में नहीं और शेयर में पैसे लगाएं, क्योंकि इस शेयर से आपको हर साल 6.2% की रिटर्न्स तो मिलेगी ही डिविडेंड के तौर पे, लेकिन जो कैपिटल गेन्स आपको ये स्टॉक देगा वो अलग। अब आप बोलेंगे कि पता नहीं कितनी सर्टेनिटी है कि आगे जाके डिविडेंड दे ना दे। अरे डिविडेंड देगा, क्योंकि अगर आप इसके मुनाफे के फिगर पर अगर आप ध्यान डालें तो FY08 में इसका मुनाफा 122 करोड़ था, फिर 2009 में ये 189 करोड़ हो गया, FY10 में 1 करोड़ बढ़ा 190, लेकिन FY11 के मुनाफे पर अगर आप नज़र डालें तो 546 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी ने दिखाया है। तो यानी कि श्योर शॉट कंपनी आगे चल के डिविडेंड देगी, लेकिन ये जो मुनाफे का इतना ज़्यादा बढ़ता फिगर है ये आपको ये भी दिखा रहा है कि कंपनी का कारोबार अच्छा चल रहा है, कंपनी आगे चलकर अच्छा करेगी। और स्टॉक, इससे क्या पता लगता है कि स्टॉक की जो वैल्यू वो भी आगे चलकर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो अगर आप बोलें कि अभी क्यों मैं खरीदारी करूं, क्योंकि अगर आप पी पर नज़र डालें तो शेयर का जो निचला स्तर है पी का वो 6 है और जो ऊपरी स्तर है वो 11 है। फिलहाल अगर आप देखें 8.2 के पी पर चल रहा है, तो यानी कि यहाँ से नीचे जाने की गुंजाइश बहुत ही कम है। 6 तक अगर जाता भी है तो कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला, लेकिन ऊपर जाने के जो लेवल्स हैं वो ज़्यादा उम्मीदें हम लगा रहे हैं कि शेयर ज़्यादा पी पर जाएगा और शेयर बहुत ही अच्छा फिलहाल कारोबार दिखाएगा आगे चलकर, क्योंकि इनके जो भारत के अलावा इनके जो काम है प्लांट्स है वो UAE और सिंगापुर में भी है। और मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि 40% आय जो है इनकी एक्सपोर्ट से आती है। हम देख रहे हैं कि रुपए में कमजोरी है जो वो बढ़ती जा रही है, और FY12 में उससे काफ़ी मदद मिलेगी क्योंकि एक्सपोर्ट से इनको जो पैसा आएगा वो रुपए क्योंकि वीक है तो इनकी कमाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। साथ ही मैंगलोर में $70 करोड़ में इनका PTA प्लांट लगाने की भी योजना है, कि हर तरफ से कंपनी के लिए क्या बढ़िया पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। डिविडेंड यील्ड आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगी, कैपिटल गेन्स आपको स्टॉक बहुत ही जल्द बहुत ही बढ़िया देने वाला है। तो ये है मेरा आज का डिविडेंड डार्लिंग JBF इंडस्ट्रीज। बिल्कुल भी मत सोचिए, कुछ ना कीजिए, जल्दी से शेयर में अच्छा सा पैसा लगाइए। तो ये तो था मेरा आज का डिविडेंड डार्लिंग। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं और कौन से होंगे मेरे डार्लिंग शेयर्स, तो रोज CNBC आवाज पे देखना ना भूले डिविडेंड डार्लिंग 11:20, 12:40 पर। सुपर 20 के प्रायोजक हैं एक्सिस बैंक, आपका सोल्यूशन।